नमस्कार देवियों और सज्जनों, जैसा कि हम लोगों को पता है कि 2020 में किसी ने साल को बर्बाद नहीं किया, साल ने हमें बर्बाद किया। तो 2020 में हमने क्या किया, YouTube में 2020 में क्या हुआ, तो आज इसी चीज को हम शॉर्ट में देखेंगे, लेकिन थोड़ा फनी वे में। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के कमेंट में आप लोग मुझे कोई सभी डेयर दीजिए, मैं ज्यादा से ज्यादा डेयर पिक करके ये वीडियो बनाऊंगा विद शॉर्ट आउट। जो डेयर्स मुझे अच्छे लगेंगे मैं कमेंट करने वाले को शॉर्ट आउट भी दूंगा। सबसे पहले हम अपनी बात कर लेते हैं कि हमने 2020 में क्या किया। हमने कुछ बड़ा तो नहीं उखाड़ा, बस 1500 सब्सक्राइबर्स हिट किए, फैजू से लेकर ढिंचक पूजा, ट्रिगर्ड इंसान, टेक्निकल गुरुजी सबको रोस्ट किया। और सबसे अच्छी बात तो ये रही कि हमने जितने भी रोस्ट बनाए सब पे 250 से 300 व्यूज पाए, और हमारे साथ कई घटनाएं भी अजीब हुई। जब तक हमने नॉर्मल वीडियोस बनाए तब तक हर वीडियो पे 250 से 300 व्यूज आए, और जब हमने ट्रेंड पकड़ा तो 50 से 60 व्यूज आए। और साथ में इसी 2020 में हमने अपना छोटा मोटा सेटअप बनाया, और 2020 में आई थिंक हमने 3 गिवअवेज किए जिसमें किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। ऊपर आई बटन में लिंक है, जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो, अभी भी मौका है। तो यार जहां 2020 में इतना सबका नुकसान हुआ है, वहां 2020 कई लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग भी रहा। तो देखो यार कहानी क्या हुई। भारत में एक ऐप चलता था टिकटॉक, जिसने कि पूरे इंटरनेट पर अपना वर्चस्व कायम कर रखा था। फिर हुआ घमासान यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, जिसने कई लोगों को यहां से यहां पहुंचा दिया, और कई लोगों को यहां से यहां। सभी ने यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक पर वीडियोस बनाए और व्यूज पाए, और जब हमने यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक पर वीडियो बनाए तो हमें धमकी मिली, तुमने YouTube वर्सेस TikTok में मुझे रोस्ट किया है, वीडियो डिलीट करो, DM SDM का मेरे यहाँ उठना बैठना है, वीडियो डिलीट करो। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। तो अभी चलते हैं 2020 के ट्रेंड्स की तरफ, जहाँ पे YouTube के भी ट्रेंड्स हैं और कुछ इधर उधर के भी ट्रेंड्स हैं। तो 2020 में सबसे पहले आया क्रिंज का देवता जोकर। फिर आया 29 जून TikTok बैन। उसके बाद आया असली ट्रेंड बिनोद। नमस्कार विनोदो। जैसे एक वीडियो देख के विनोद थरू बोले विनोद, बस विनोद, जिसने कि हमें बताया कि इंडिया में लोग कितने वेले बैठे हैं। मतलब अगर तुम किसी के वीडियोस के कमेंट सेक्शन में चले गए तो तुम्हें विनोद विनोद विनोद, यहाँ तक कि टीचर पढ़ा रहे हैं उसके बीच में भी विनोद विनोद। फिर आई कोकिला आंटी। कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी, तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था। इधर साड़ी पर जूस गिरी रहा था तब तक आ गए हमारे गरीब बॉय। मैं गरीब हूँ साहब, मैं गरीब हूँ। You're super zoomed in। मैं गरीब हूँ। मेरे मम्मी पापा मुझे गरीब जन्म दिए, मुझे मम्मी पापा से बढ़कर कोई चीज नहीं है, मैं गरीब ही ठीक हूँ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। और रियाज भाई पीछे छूट रहे थे तो वो भी आ गए जस्टिन बीबर के साथ लाइव ब्रो ब्रो खेलने। क्रेजी थिंग्स गोइंग ऑन ब्रो। और इतना ही नहीं, लास्ट में आ गया टका टक फेम हाउस, जिसने कि सभी हमारा घूम रहे टिकटॉकर्स को लाके एक घर में पटक दिया। कुत्तों की रेस होती है तो जिसमें ना एक शेर होता है, तो तू कुत्तों की रेस में खड़ा क्यों हुआ भाई? तूने बोला इतने बड़े-बड़े इज्जत मिलेगी। और बाबा रामदेव के लिए भी ये साल काफी बेकार रहा। विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव जो साइकिलिंग करते हुए एंट्री ले रहे हैं, देखिए वो भी बारिश में करते हुए एंट्री ले रहे हैं, देखिए वो भी बारिश में। कम से कम 40-50 किलो का वजन होगा। वंस मोर। कौन है वो? पता नहीं कौन है। पीछे देखो। रुको अभी अक्षय भी अभी हैं। मजा नहीं आ रहा है। फिर आए हमारे स्विगी वाले भैया। कितने व्यूज पाते हो? 350। 350 व्यूज एड्स लगा के। अच्छा कितने घंटे काम करते हो? 12 घंटे।
हमारे पास क्यों आ रहे हो। तो बस यार आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, 2K हिट कर दीजिए जल्दी से।